दोस्तों, अगर आप स्टील प्लांट में ड्यूटी करते हैं तो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन का प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अच्छा बनाना है। जब आप कोई इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा या इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो अपने अंदर में बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं रखना है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल में बहुत सा फ्रेंड यही रिक्वेस्ट किया है कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो आपका स्लिवरिंग मोटर रहता है, इसके लिए जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, इसको कौन कौन तरीका से चेक करना है और चेक करके कॉन्फर्म करना है कि रेजिस्टेंस बॉक्स सही है या खराब हो गया है। अगर स्लिवरिंग मोटर में रोटर बार बार शॉर्ट हो जा रहा है तो इसका कारण क्या है, किस तरह से कॉन्फर्म करेंगे कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स में ही फॉल्ट है। आज दोस्तों, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपके अंदर में बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं रहेगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छा से देखना है और पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छा से फॉलो करना है, तभी आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तो जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसका जो पहला चेकिंग है, ये हम लोग किसमें करते हैं, एक 100 वाट का बल्ब और होल्डर से, जिसको हम लोग सीरीज लैम्प बोलते हैं। अभी ये जो आपका सीरीज लैम्प का कनेक्शन है, इसको आपको अच्छा से समझना है कि एक हमारा जो फेज सप्लाई है, इसमें कितना सप्लाई है, 230 वोल्ट एसी, ये किसमें आ रहा है ना, होल्डर का टर्मिनल में आ रहा है। फेज सप्लाई इन हो रहा है, फिर यहां से आउट होके निकल रहा है। मतलब अगर आप जब तक इसमें न्यूट्रल नहीं दीजिएगा या अर्थ नहीं दीजिएगा, तो ये जो 100 वाट का बल्ब है, ये आपका बिल्कुल भी नहीं जलेगा। इसीलिए मैं एकदम कनेक्शन करके आप लोगों को समझा रहा हूं। अभी जब आप इसमें फेज सप्लाई दीजिएगा, घूम के यहाँ चेक कीजिएगा, तो आपका टेस्टर तो जरूर जलेगा, और अगर मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा एक न्यूट्रल के साथ, तो यहां भी आपका क्या बताएगा, 230 वोल्ट एसी बताएगा, लेकिन आपका बाल फोल्डर जलेगा नहीं। अभी रेजिस्टेंस बॉक्स में किस तरह से आपको चेक करना है वो जानना जरूरी है। पहले आपको क्या करना है, जो आपका बाल फोल्डर से एक वायर आ रहा है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स का अर्थ है, इसके साथ आपको टच करके देखना है। मतलब इसके साथ आपको जोड़ना है कि बाल्ब होल्डर हमारा जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर बाल्ब होल्डर जल रहा है, तब आपको समझना है कि हमारा जो सीरीज लैम्प है, ये हम सही बनाए हैं। कभी कभी क्या होता है, इसमें अगर आप न्यूट्रल दे दीजिएगा तो किसी भी हाल में आपका बाल्ब होल्डर नहीं जलेगा। एकदम पॉइंट टू पॉइंट कूट कूट के जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जब तक आपका प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा नहीं बनेगा, कोई भी रेजिस्टेंस बॉक्स को आप स्टेप बाय स्टेप चेक नहीं कर पाइएगा। सिर्फ यही होगा, कमेंट आ जाता है कि बार बार स्लिवरिंग मोटर का रोटर शॉर्ट हो जा रहा है, आखिर फॉल्ट क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स लाल हो जा रहा है, आखिर फॉल्ट क्या है। अभी तक 3 गो 4 गो स्लिवरिंग मोटर का रोटर शॉर्ट हो गया या स्लिवरिंग मोटर जल गया, तो जो जो चेकिंग होना चाहिए वो भी तो चेक करने का तरीका आना चाहिए। तो ये हो गया बॉडी के साथ, अगर बाल्ब होल्डर जल रहा है तो आपका सीरीज लैम्प सही है। इसके बाद बॉडी से आपको हटाना है, और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स का सामने वाला ढक्कन है, इसको आपको खोलना है। खोलने के बाद चेक करना है कि रेजिस्टेंस बॉक्स बॉडी है या नहीं है। तो ये जो आपका बाल्ब होल्डर का लीड है, इसको पहले आपको F1 में लगाना है, फिर यहां से हटा के F2 में लगाना है, फिर यहां से हटा के F3 में लगाना है, फिर लास्ट में आपको F में लगाना है। अभी देखना है कि बाल्ब होल्डर जल रहा है या नहीं जल रहा है। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स बॉडी रहेगा तो बाल्ब होल्डर एकदम 100% है कि आपका जलेगा, और अगर रेजिस्टेंस बॉक्स बॉडी नहीं रहेगा
तो किसी भी हाल में आपका बल्ब होल्डर नहीं जलेगा। और यही तरीका से आपको सीरीज लैंप से रेजिस्टेंस बॉक्स को चेक करना है। रेजिस्टेंस बॉक्स में जितना सारा टर्मिनल है सब टर्मिनल में ही आपको चेक करना है। कभी कभी क्या धोखा हो जाता है कि ये जो एफ सीरीज है मतलब F3, F2, F1 इसको चेक कर लिए तो ये ई वाला नहीं करेंगे, डी वाला नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एकदम जितना सारा टर्मिनल रहेगा यहाँ जीरो तक सबको आपको चेक करना है कि बॉडी बता रहा है या नहीं बता रहा है। कभी कभी क्या होता है कि एफ सीरीज को आप चेक कर लिए फिर ई को चेक नहीं किए, दूसरा कोई आके चेक करेगा तो ई सीरीज में आपका बॉडी बता देगा। इसीलिए अंदर में बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं रखना है। जब आपका सीरीज लैंप से चेक हो जाएगा उसके बाद आपको मेगर से चेक करना है। मेगर में दो गो लीड रहता है, एक आपका आठ का एक आपका लाइन का। और ये जो मेगर है चाहे आपका डिजिटल टाइप का हो या आपका एनालॉग टाइप का हो दोनों का चेकिंग जो है वो सेम है, चेकिंग का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है, वो आपको अच्छा से समझना है। तो ये जो मेगर है डिजिटल टाइप का होगा तो आपको 1000 वोल्ट में चेक करना है। अभी 1000 वोल्ट में आप सेटिंग कर दिए हैं, सेटिंग करने के बाद जो आठ वाला मेगर का लीड है ये आपका ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका बॉडी में देना है। इसीलिए यहाँ पे आर्थ का सिंबल भी बना दिया हो अच्छा से समझने के लिए। कोई भी जब नया रेजिस्टेंस बॉक्स देखिएगा इसी टाइप का आपको सिंबल बना हुआ रहता है। अभी आर्थ वाला लीड रेजिस्टेंस बॉक्स का बॉडी में दे दिए और ये जो लाइन वाला लीड है इसको आपको लेके चाहे डी ई एफ किसी एक में आपको लगाना है, जैसे मैं ई में लगा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आपको डिजिटल टाइप का जो मेगर है इसको ऑन करके चेक करना है कि क्या रीडिंग आ रहा है। अगर इस जगह में आपका ओवरलोड आ रहा है, ठीक है, ओ एल आएगा, इसका फुल फॉर्म होता है ओवरलोड, तो आपका कुछ भी दिक्कत नहीं है। डिजिटल टाइप का मेगर में अगर आपका जीरो बता रहा है तब आपको समझ जाना है कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये आपका बॉडी है। अगर एनालॉग टाइप का मेगर रहेगा 1000 वोल्ट का तो उसमें क्या होता है हाथ से घुमाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यही सेम चेक करना पड़ता है कि जो एनालॉग टाइप का मेगर है इसमें एक देखिएगा काटा दिया हुआ रहता है कि ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। और डिजिटल टाइप का मेगर से एकदम साफ साफ आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। कभी कभी एगो और डाउट बना हुआ रहता है, वो आपको पहले चेक कर लेना है कि जब आप आर्थ वाला और लाइन वाला मेगर में लीड लगाइएगा तो ये दोनों में एक बार टच करके देख लीजिएगा कि जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को बता देता हूँ, और जब इलेक्ट्रिकल का आप लोग इंटरव्यू देते हैं तो हमको बदनाम कर देते हैं, उल्टा पुल्टा आंसर देते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा हूं तो देखिए अभी तक इसको ये पता नहीं है कि रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन क्या होता है और एक स्लिप रिंग मोटर का कनेक्शन किस तरह से करना है। D1 E1 F1 बोल रहा है कि रोटर में कनेक्शन होगा और D2 E2 F2 स्टेटर में कनेक्शन होगा। मतलब हमको ये समझ में नहीं आता है तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने में क्या होता है। जितना देर आप लोग उल्टा पुल्टा वीडियो देखते हैं उतना देर में आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो अच्छा बन जाएगा, लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा और बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगा। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन का अच्छा से काम सीख लेते हैं तो जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसमें आप सिर्फ क्रेन का मैनेजर पे जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोरमैन में जा सकते हैं, सीनियर इलेक्ट्रिशियन में जा सकते हैं, पेमेंट भी आपको अच्छा मिलेगा। बहुत सा इंटरव्यू मैं खुद करवा रहा हूँ, जब भी मैं किसी को बुलाता हूँ तो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन से ही क्वेश्चन पूछता हूँ, अच्छा से आंसर मिल जाता है तभी इंटरव्यू के लिए बुलाता हूँ, नहीं तो ऐसे नॉर्मल में नहीं बुलाता हूँ।
कभी भी ट्राई करके देख लीजिएगा। जितना भी फ्रेंड को अभी तक इंटरव्यू करवाया हो, पहले क्वेश्चन पूछा हो, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए बुलाया हो, क्योंकि हमको मालूम है जब भी इंटरव्यू में बैठेगा तो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन के बारे में 100% लेकर पूछेगा ही पूछेगा। अभी दोस्तों ये जो आपका मेगा से चेक हो गया, चेक होने के बाद ये सिर्फ ई टर्मिनल में हुआ, अभी डी में आपको चेक करना है, D3 में चेक करना है, D2 में चेक करना है, D1 में चेक करना है, फिर E3, E2, E1, फिर F के साथ F3, F2, F1, जितना सारा टर्मिनल है सबके साथ आपको चेक करना है। बिल्कुल भी जीरो नहीं बताना चाहिए, एक तो इन्फिनिटी बताएगा नहीं तो ओवरलोड बताएगा, मतलब किसी भी हाल में रेजिस्टेंस बस बॉडी नहीं बताना चाहिए। जब ये चेक हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये जो बॉडी में 8 वाला आप लीड लगाए हैं, ये लीड को आपको यहां से हटा देना है। हटा देने के बाद ये जो आपका लाइन वाला लीड है इसको आपको देना है ये डी वाला में, ठीक है, और ये जो 8 वाला लीड है ये सीधा आपको लेके आ जाना है ए वाला में। इसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपका मेगर है इसमें जीरो बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ये जीरो किस लिए है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स में स्टार पॉइंट बना हुआ है, कोई कारण से हो सकता है कि इस जगह में जो आपका नटबोल्ट है नटबोल्ट लूज हो गया, या ये जो लिंग है ये कोई कारण से कट गया है, या ये जितना सारा रेजिस्टेंस बॉक्स में प्लेट है प्लेट का नटबोल्ट भी लूज हो सकता है, प्लेट भी कटा हुआ हो सकता है, ये चेकिंग कर लीजिएगा। 1000 वोल्ट से डिजिटल टाइप का मेगर से या एनालॉग टाइप का मेगर से तो आपको कॉन्फर्म हो जाएगा। अगर जीरो बता रहा है तो आपको समझ जाना है ये कोई कुछ कटा नहीं है, प्लेट वगैरह सही है। इसके बाद ये जो एक वाला लीड है यहां से हटा देना है, हटा देने के बाद एक बार ई में आपको लगाना है। इसके बाद फिर आपको चेक करना है कि जीरो बता रहा है या नहीं बता रहा है, अगर जीरो बता रहा है तो आपको समझ जाना है कि सही है। फिर वही सेम टू सेम एक बार ये डी वाला लीड ये एफ वाला में आपको लगाना है, उसके बाद वही सेम चेकिंग करना है। तो ये हो गया दोस्तों एक सीरीज लैंप का चेकिंग और एक मेगर का चेकिंग। इसके बाद जो मेन चेकिंग है वो है मल्टीमीटर से, वो किस तरह से चेक करना है वो आपको अच्छा से समझ लेना है। पहले मल्टीमीटर का आपको सेट करना है कि हम क्या चेक करेंगे, ना ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे, और रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करने के लिए जो हम लोग मल्टीमीटर में सेटिंग करते हैं वो ओम्स में सेटिंग करते हैं। अगर आपके पास डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है तो इसमें आपका दो गो लीड रहता है, एक होता है आपका कॉमन का जो काला वाला लीड रहता है, और जो लाल वाला लीड रहता है इसमें आपका भी और ओम्स लिखा हुआ रहता है, इसके साथ आपका कॉन्टिन्यूटी का सिंबल दिया हुआ रहता है, डायोड का सिंबल दिया हुआ रहता है। तो ये जो आपका डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है इसको पहले सेट करना है, सेट करने के बाद ये डिस्प्ले में आपको देखना है कि क्या लिखा आया है। इस जगह में एम ओम्स आया है, मतलब मेगा ओम्स आया है, चाहे ये ओम्स वैल्यू हो या किलो ओम्स हो या मेगा ओम्स हो ये ऑटोमेटिक बताएगा, लेकिन ये गलती नहीं करना है कि इसको दबा दबा के चेंज करना है। मतलब जब आप चेक कीजिएगा तो ये रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना है, इसीलिए आपको ओम्स में सेटिंग करना है। अगर कोई डिजिटल टाइप का मल्टीमीटर है उसमें मेगा ओम्स नहीं बताता है या किलो ओम्स नहीं बताता है, सिर्फ ओम्स वैल्यू बताता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को इसलिए बता दे रहा हूं, जितना सारा फ्रेंड हमको जो जो क्वेश्चन पूछा है सारा क्वेश्चन का इसी वीडियो में मैं दे रहा हूं। अभी आपको चेक किस तरह से करना है, तो पहले आपको मल्टीमीटर को सेटिंग कर दिए, सेटिंग करने के बाद जो आपका मल्टीमीटर का कॉमन वाला लीड है इसको आपको ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसका जो पत्ती है इसके पीछे में जो स्टार बना हुआ, मतलब ये जो लिंग लगा हुआ है यहां से एक लीड हमारा आ रहा है, तो ये जो कॉमन वाला लीड है ये कॉमन वाला लीड आपको जीरो में लगाना है, ठीक है, और जीरो में लगा के
स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना है किस तरह से एक लीड कॉमन वाला तो ये लगा के रख दिए, तो ये जो वी और ओम्स वाला लीड है मतलब ये लाल वाला लीड है इसको आपको एक बार डी में लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद आपको देखना है कि कितना वैल्यू बता रहा है। जैसे ये कौन सा चेकिंग हुआ, जीरो के साथ आपका डी, ठीक है, और इसमें देखना है कि वैल्यू आपका कितना आ रहा है। फिर जो आपका ये लीड है यहां से आपको हटा देना है, फिर आपको ई में एक बार चेक करना है, फिर एक बार एम में चेक करना है, लीड छोड़ छोड़ के चेक करना है। काहे कि मैं जिस तरह से दोस्तों आप लोगों को बता रहा हूं, अगर वीडियो को अच्छा से फॉलो कीजिएगा तो कभी भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो मल्टीमीटर में हमारा दो गो लीड है, इसी टाइप से आपका रीडिंग आएगा। तो ये हो गया हमारा पहला चेकिंग। अभी दूसरा चेकिंग क्या है ना, ये जो हमारा लीड है इसके बाद D3, D2, D1 इस पे भी आपको चेक करना है। तो उस टाइम क्या आ जाएगा ना, पहले हम D1 पर चेक करेंगे, ठीक है, फिर 0, 2 ये हो गया आपका D2 का चेक करेंगे, फिर D3 को चेक करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम ये जो E है E को भी आपको चेक करना है, E3, E2, E1 इसका रीडिंग किस तरह से आएगा वो भी समझना है कि 0 से लेके E को आपको एक बार देखना है इस जगह में जैसे देखे हैं। इसके बाद E3 को देखना है, फिर E2 को देखना है, फिर E1 को भी देखना है, फिर जब ये वाला चेकिंग हो जाएगा इसके बाद आपको F को भी चेक करना है। तो F का भी यही सेम होगा, F3, F2 और F1। आप तो कुछ भी टेंशन नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं है, मल्टीमीटर में दो गो लीड रहता है और जितना चेकिंग है मैं स्टेप बाय स्टेप सारा चेकिंग के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। जब आप प्रैक्टिकल में चेक कीजिएगा एगो कॉपी और पेन लेके, सारा जितना सारा रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा सारा रेजिस्टेंस वैल्यू का आपको नोट करना है, तभी क्या होगा ये रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ फॉल्ट है या नहीं है ये आपको कन्फर्म हो जाएगा। अभी फिर ये जब चेकिंग हो जाएगा तो ये जो आप जीरो में लगाए थे, जीरो में लगाने के बाद यहां से लीड आपको हटाना है, हटाने के बाद एक लीड आपको ई में लगाना है जो आपका वी और ओम्स वाला लीड है, और ये जो लीड है ये आपको डी में लगाना है। इसके बाद आपको देखना है कि कितना रेजिस्टेंस वैल्यू बता रहा है। तो ये किस तरह से होगा ना, ये डी और ई में एक बार चेक होगा, फिर ई और एम में एक बार चेक होगा, और एफ और डी में एक बार चेक होगा। ये जितना सारा मैं चेकिंग आप लोगों को बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना ही पड़ेगा, तभी क्या होगा ये कन्फर्म होगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स में फॉल्ट है या नहीं है। अभी किस तरह से वैल्यू आएगा वो भी जानना जरूरी है ना, 0 से लेकर D का जो वैल्यू है ये बता रहा है 4.2। तो अगर एक में आपका 4.2 बता रहा है तो बाकी दोनों में आपका एकदम बैलेंस में बताना चाहिए, 4.2 ओम्स इस पे भी आपका 4.2 ओम्स, ठीक है। अभी जो आप D1 के साथ चेक किए और D2 के साथ चेक किए और D3 के साथ चेक किए, तो इस पे भी आपको एकदम जो रीडिंग आएगा एकदम सेम बैलेंस में आना चाहिए। जैसे D3 में अगर आपका 4.1 ओम्स बता रहा है तो जितना सारा 3 है मतलब E3, F3 सब में आपका 4.1 ओम्स बताना चाहिए, तभी क्या होगा ये आपको कन्फर्म हो जाएगा कि बैलेंस में हमारा बता रहा है। इसके बाद आ जाता है D2 का, इसमें अगर आपका 3.6 ओम्स बता रहा है एक में, फिर दूसरा में आपको चेक करना है कि E2 में 3.6 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद F2 पे भी चेक करना है कि 3.6 ओम्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब भी आपका रीडिंग आएगा बिल्कुल बैलेंस में आएगा, अगर बैलेंस में नहीं आ रहा है
तब ये जो रेजिस्टेंस ब्रश का टर्मिनल है इसमें आपको सीआरसी मार के अच्छा से साफ करना है। इसके बाद दोबारा चेक करना है। एक रेजिस्टेंस ब्रश को चेक करने में 1 से 2 घंटा आपको टाइम लगेगा, जितना सारा आपका चेकिंग है। इसके बाद जो आपका D1 है तो इसमें अगर आपका 2.6 ओम्स बता रहा है तो जितना सारा है सब में आपका 2.6 ओम्स बताएगा। अभी शायद आपके अंदर में जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर हो गया। अभी इस जगह में दोस्तों जब आप चेक कर लिए, अभी ये जो DE, EF, FD इस पे भी आपको वैल्यू चेक करना है कि कितना आ रहा है, किस तरह से। जैसे इस जगह पे भी आप जब चेक कीजिएगा तो आपको देखना है कि 4.2 ओम्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस बॉक्स का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अभी ये जो चेक हो गया, चेक होने के बाद अगर इस टाइप से आपको वैल्यू मिला है तो आपको समझ जाना है कि रेजिस्टेंस बॉक्स अच्छा है। अगर जब आप चेक कीजिएगा तो जैसे एक हमारा आ गया कि 0 से लेकर D का 4.2 ओम्स ठीक है, इस जगह में 4.2 के जगह एक में आ गया आपका 4.2, दूसरा में आ गया 6.2, तीसरा में आ गया 5.2 ओम्स। इस टाइप से अगर आपका आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स में जरूर कुछ फॉल्ट है। किस लिए फॉल्ट है ना, जो रेजिस्टेंस वैल्यू बता रहा है ये हमारा बैलेंस में नहीं है, तो अभी ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपका कंफर्म होगा कि खराब है। अगर सारा चीज आपका बैलेंस में बता रहा है तो रेजिस्टेंस बॉक्स में आपका कुछ भी फॉल्ट नहीं है। फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप जितना सारा है सबका लिंक यूट्यूब चैनल का अबाउट में आपको मिल जाएगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरा व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं हर रोज। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।